1983 में जब मैं नाबालिग था तो गैरतपुर बांस गांव में मुझे सरपंच चुना, नाबालिग अनपोज। तो मुझे 41-42 साल हो गए राजनीति में। 2014 में पार्टी ने मुझे मौका दिया बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का। 2014 में एमएलए बना, मंत्री बना। 2009 में पहला चुनाव यहाँ हुआ और कांग्रेस से राव धर्मपाल चाचा हमारे यहाँ से विधायक चुने गए। 2014 में मैं यहाँ से विधायक चुना गया और 2019 में भाई राकेश दाऊदाबाद यहाँ से विधायक चुना गया। हर पंचवर्षीय योजना में आप एक विधायक चुन के भेजते हैं कि उन 5 सालों में जो और विधायक काम कर पाए उनसे कई गुना ज्यादा काम करने की मैंने कोशिश करी। लेकिन भाई बदकिस्मती मेरी कि मेरी पार्टी ने टिकट काट दी। मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी टिकट कटेगी, लेकिन पार्टी का जो फैसला भाई वो सर्वमान्य, हमने चुनाव नहीं लड़ा और यहाँ से भाई राकेश दौलताबाद चुनाव जीत गया। वो इन 5 सालों में परमात्मा उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन इन 5.5 साल में लोकसभा के चुनाव तक वो जो काम कर पाया वो आपके सामने है। चाचा धर्मपाल जी जो काम कर पाए वो आपके सामने है और नरवीर सिंह जो काम कर पाया वो आपके सामने है। साथियों, मैं एक विश्वास दिलाता हूं कि जो इस 5 साल में कसर रहेगी ना, बहुत से लोग कहते हैं भाई काम कम हुए और मेरा भी मन रोता है कि गुड़गांव जिला हरियाणा के खजाने में सबसे ज्यादा पैसा देता है और गुड़गांव में वो हालात आज नहीं है जो होनी चाहिए थी। हमारे जब मैं 14 में आया हूं चुनाव लड़ने तो आम आदमी एक बात कहा करता कि साहब हॉस्पिटल बनना चाहिए, कॉलेज बनना चाहिए और बाईपास बनना चाहिए, आम आदमी कहता था। कोई मिला किसी बिरादरी का हो, मेरा वोट है ना हो, लेकिन वो आदमी कानों में कहता था भाई तीनों काम मैंने पूरे करे पिछले अपने 5 सालों में कि नहीं करे, आप बताओ। जो मुसीबतें आई मैं जानता हूं, जैसे मैंने बाईपास बनवाया, ये हुड्डा का मास्टर रोड पर सरकार इसको कैंसिल कर रही थी। एंड टाइम पर मुझे पता लगा, मैंने मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की, साहब इसको कैंसिल नहीं कर रहे, हमारा बहुत बड़ा काम है, यदि बाईपास नहीं बना तो फरुखनगर की बहुत बुरी हालत हो जाएगी, निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो बोला हुड्डा के पास पैसे नहीं है। मैंने कहा साहब हुड्डा के पास पता इसको कैंसिल मत करो, मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से पैसे देता हूं और मैंने अपने डिपार्टमेंट से इस जमीन की कीमत मैंने अपने डिपार्टमेंट से करवाई, ये आपका बाईपास बनवाया, कितना उससे आपका समाधान हुआ समस्या को, ये आप लोग मेरे से ज्यादा जानते। आम जनता की ये आवाज है। मैं 7 चुनाव लड़ा हूं, 7 चुनाव में ये एक अजूबा चुनाव होगा मेरे लिए जिंदगी। इसमें 36 बिरादरी का साथ, आम आदमी की भागीदारी, आम आदमी की भागीदारी इस चुनाव में मुझे लग रहा है कि मिलेगी। ये नरवीर सिंह का नहीं, ये नरवीर सिंह के पिछले 5 सालों के किए हुए कामों का नतीजा है। जोरदारी, और मैं फिर यकीन दिलाता हूं आपको कि जो काम मैंने पिछले 5 साल में किए, जो इन 5 सालों में कोई कमी रही सरकार की तरफ से, आने वाले अगले 5 सालों में वो 10 साल की कमी पूरी करूंगी। जैसे देश में लोग कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो भाई ये नरवीर सिंह की गारंटी है 10 साल का। जब मैं चुनाव लड़ने आया 2014 में तो मेरी ज्यादा वाकफियत नहीं थी, मैं नया नया आया, क्योंकि मैं सोनाल के में चुनाव लड़ा, जाटसाना लड़ा और जगह लड़ा, फरुखनगर में मैं दुख का भी भागीदार नहीं था, सुख का भी भागीदार नहीं था, सही बात तो ये है। और जितना समर्थन मिलना चाहिए था, क्योंकि मेरी भागीदारी नहीं थी इसलिए समर्थन भी कम मिला। ये जितने स्टेज पे खड़े हैं ये तकरीबन 60-70% धर्मपाल सब मेरे खिलाफ थे भाई, तकरीबन सारे सरपंच मेरे खिलाफ, बड़े मौजूद आदमी, कोई भाई पंडित जी के चक्कर में मुकेश भाई के लग गया, जाट भाई था वो राकेश के चक्कर में लग गया, और तो और एक हरिजन भाई मेरा लंबरदार है गांव का, गैरतपुर बाद जहां मैं सरपंच रहा उसका लड़का मैंने 97-98 में पुलिस में लगवाया। जब मैं चुनाव लड़ने लग गया तो वो परिवार के खिलाफ, तो मेरा होमटाउन सरपंच था, मैंने उसको कहा तू लंबरदार को ले गया, अगले दिन लंबरदार को लेकर मगर लंबरदार बोले साहब
हम तो 10 साल तक इसी के साथ सेवा कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, अब एकदम मैं कैसे बदलू। मैंने कहा तेरी बात ठीक है, जवान का आदमी था। मैंने कहा तू जा, मैं तो वैसे बन जाऊंगा, लेकिन वो जवान का आदमी था, मैंने उसको कुछ नहीं कहा। उसने वोट ला के इसकी थी अलग बात है, लेकिन वो अपनी जवान का वो तो 10 साल तो लगने साथ, तेरा क्या पता तू एंड टाइम पर यहां आएगा। तो मैंने कहा ठीक, और यहां इसलिए आया हूं कि भाई नू मत कहना कि भाई नरवीर सिंह पहले नहीं आया। जोरदार ताली। भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, जोरदार। और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव प्रचार आज से ही शुरू करो। और भाई मैं ये जो होल्डिंग पोस्टर छपवा रखे ना, कोई खर्चा नहीं आपका, एक पैसे का भी खर्चा मत करना। जहां बैठो सुख दुख में वहां चर्चा करो कि हम जो देना चाहता है वोट, कि भाई नरवीर सिंह की वोट देंगे। व्हाट्सएप करो, आजकल सबके पास ग्रुप है व्हाट्सएप का, हजारों हजारों के, कहीं के 500, कहीं के 2000 है, उस पर आप मैसेज करो। भाई जहां चर्चा करोगे, जो हक में होगा वो खुश होगा, और जो थोड़ा बहुत मेरे से विचारों से नाराज होगा, कम से कम भोज तो मरेगा। ये फ्री का प्रचार आपसे मांगने आया हूं, और ये कहने आया हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। कोई कितनी अफवाह उड़ाए, पर ये मीडिया वाले बैठे, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आजादी से लेके आज तक कोई बिरादरी जाए, जो बड़ा होगा, जो समाज का नाता है, बड़ा आदमी भूख आज भी मारता, चाहे कोई बिरादरी का। और मैं आज कह सकता हूं इस मंच पे गर्व से, हिंदुस्तान में आपको दूसरा घर नहीं मिलेगा जो 36 बिरादरी का एक भूखा हो। नरवीर सिंह, अरे मैं तो 26 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, 26 साल की उम्र में मिनिस्टर बन गया, 3 बार मिनिस्टर रह लिया। मेरे आगे तो एक्स मिनिस्टर लग गया, कोई नहीं लिखता नरवीर सिंह एक्स मिनिस्टर 3 बार। मैं 1 बार और बन जाऊंगा तो कोई नहीं लिखेगा 4 बार। अच्छे घर में जन्म लिया, खूब इज्जत कमाई, कोई कमी तो नहीं छोड़ी ना, इज्जत में कोई कमी नहीं, घर बार में कोई कमी नहीं। परमात्मा ने ऐसा घर में जन्म दिया, वो कहना हमारे यहां कि भाई फले भी ना फोड़ी, और भाई सब कुछ परमात्मा ने दिया, हाजिर नाजिर वही है। और भाई 1 बार और बन जाऊंगा तो कोई वो ना, लेकिन इस धरती माता ने मुझे जन्म दिया तो इसका भी तो कर्ज चुकाना है। 2014 से 2019 तक गुड़गांव का आम नागरिक, विधानसभा नहीं वर्षपुर, गुड़गांव का और अहिरवाल का आम नागरिक ये कहता था कि हमारा मंत्री बैठा है, गर्व से कह सकता था, और अधिकारी भी डरते थे। मैं ये नहीं कहता मैंने सारी रिश्वत बंद कर दी, लेकिन संकोच से लेते थे, डर के लेते थे। आज जो हालात है वो आपके सामने है। मैं कह सकता हूं कि नरवीर सिंह बनेगा तो सरकार आपके द्वार पे आएगी, और ही आपके काम पूछ के जाएगी, आपके काम होंगे। नरवीर सिंह, और बहुत जल्दी टिकट की भी घोषणा होगी 5-4 दिन में। जोरदार ताली। नरवीर सिंह चुनाव लड़ रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अब सिर्फ वोट मांगने नहीं आया हूँ, सहयोग भी मांगने आया हूँ। यदि नरवीर सिंह का समर्थन और सहयोग करो तो एक बार हाथ उठा के कहूँ भाई। दोनों हाथ उठा के, जय हिंद, राम राम।